फिर भैया आए। भैया को देखते ही मेरी बाँछें खिल गई। मैंने उन्हें प्रणाम किया। यह तो मेरी अंतिम यात्रा पूरी तरह से सफल हो गई। परंतु उधर भैया मेरा यह हाल बर्दाश्त नहीं कर पाए, रोने लगे। मैंने भी तत्क्षण उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा क्या दुखी होते हो भैया, जाना तो एक दिन सबको होता है, और जब आप ही नहीं रहे तो आपकी उंगली पकड़कर चलने वाले इस कान्हा के शरीर का रहना क्या और ना रहना क्या। भैया थोड़ा संभलते हुए बड़ी संजीदगी से बोले, यह तो ठीक है कन्हैया, पर तुमने इतनी बड़ी चक्री चलाई और मुझे बताया भी नहीं। तुमने अपने ही परिवार व द्वारका वासियों को झगड़वा कर मरवा डाला। क्या तुझे एक क्षण को भी हिचक नहीं आई? एक बार भी तुझे मेरा ख्याल तक नहीं आया? भैया का दर्द मैं समझ सकता था। वे सभी से बहुत प्यार करते थे। निश्चित ही सबका यह अंजाम देख उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचा होगा। लेकिन मैं भी क्या करूं? चलो उन्हें हकीकत से अवगत कराऊं, शायद उनका दर्द कम हो जाए। बस इसी उद्देश्य से मैंने बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करते हुए कहा, कैसी बात करते हैं भैया, आपका ख्याल तो इस जहन से कभी जाता ही नहीं। सच कहूं तो एक आपकी ही वजह से इन सबका यह अंजाम टलता रहा था, वरना इनके कर्मों से तो इनको कब का निपट जाना चाहिए था। आप विश्वास जानो भैया कि मैंने कोई चक्री नहीं चलाई, इन सब का विनाश अपने कर्मों से ही हुआ। अपने छोटे भ्राता को इसका निमित्त ही जानो। फिर भी आपको मेरे कारण कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। यह कहते कहते मेरी आंखें नम हो गई। भैया पिघल गए, तुरंत बोले, कैसी बात करता है कन्हैया, भला बलराम को कृष्ण से कभी कोई कष्ट हो सकता है? तू मेरे व मैं तेरे हर कार्य में बराबरी पर भागीदार हैं। हम दो हैं ही नहीं, कहाँ हैं दो, ये तो बस कभी कभी मन में उचाट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तू निश्चिंत रह, तेरे भाई को तुझसे कोई गिला नहीं है। इतना कहते कहते भैया आशीर्वाद देकर चले गए। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच मेरे भैया थे। राधा और मेरे प्रेम की तरह मेरा और उनका प्रेम भी अनमोल व अद्वितीय था। अहंकार तो हमारा यह प्यार देखता ही रह गया, तो वह और कर भी क्या सकता था? सच्चा प्यार उसका विषय ही कहाँ था, और फिर भैया या माँ के दरमियान उसका क्या काम? वे दोनों तो मेरी आत्मा में बसते हैं, उनसे संवाद का अधिकार सिर्फ मेरे दृष्टा को है। हाँ, अब भैया के जाने के बाद अहंकार अपना खेल खेले और जी भर कर खेले। मुझ दृष्टा को उसका इंतजार ही है, और अब तो खेल का रंग भी जम गया। मज़ा तो इतना आ रहा था कि मैं पूरी तरह से इसमें डूब गया था। यूं भी अहंकार के ऐसे स्वरूपों से यह मेरी पहली मुलाकात थी। अंतिम क्षण ही सही, ऐसे जात जात के स्वरूप देखने को मिल रहे थे, तो मज़ा तो आना ही था। और फिर यूं भी इस समय समय काटने के अलावा काम ही क्या है? वैसे भी जब जीवन ही खेल है तो मृत्यु को भी खेल बना ही लेना चाहिए। खासकर मुझ जैसे खिलाड़ी को तो यह मौका चूकना ही नहीं चाहिए। वह जिसने जीवन भर सारे संघर्षों और संकटों को एक खेल मानकर झेला हो, उसे मृत्युशैया पर भी कोई खेल खेलने को मिल जाए तो भला उसे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तभी तो कहता हूँ, आनंद मनुष्य का स्वभाव है, जिसमें जीने की कला उसे आनी चाहिए। आनंद का समय या परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं होगा। अभी तो चिंतन को लगाम दे, खेल का आनंद लिया जाए। इधर भैया के जाते ही भीष्म द्रोण एक साथ अटपके। लो, इन बूढ़ों को भी अब मुझसे शिकायत होने लगी। वैसे तो होनी भी चाहिए, इन जैसे महानुभावों को मुझसे शिकायत नहीं होगी तो किससे होगी? हालांकि दोनों का प्रश्न एक ही था, तुमने हमें धोखे से युद्ध में मारा, क्या एक क्षत्रिय को यह शोभा देता है? यह तो बड़ा ही घटिया सवाल पूछा, बूढ़ों को भी मरने का इतना गम? विचार इतने अच्छे थे कि अहंकार को क्रोध आ गया। फिर उसने बुजुर्गों का लिहाज छोड़ जवाब भी पूरे क्रोध में दिया, कौरवों ने जीवन भर पांडवों पर जुल्म ढाए, क्या उसे चुपचाप सहना आप लोगों को शोभा दे रहा था? दुर्योधन ने धोखे से वाणव्रत में पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की, फिर भी आप खामोश रहे, क्या यह योग्य था? शकुनी ने धोखे से जुए में हराकर पांडवों से उनका राज्य छीना, फिर भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्या यह न्यायोचित था? और तो और, भरी सभा में आपकी आंखों के सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, आप चुपचाप तमाशा देख रहे थे, क्या आप बुजुर्गों को शोभा दे रहा था? अरे मुझसे क्या पूछते हो, पूछना ये तो अपनी आत्मा से पूछो, चले आए हैं, क्या शोभा देता है और क्या नहीं? दोनों चुपचाप मुंह लटकाए चले गए। बड़े आए थे मुझे न्याय सिखाने। मैं तो कहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में इनसे बड़ा ढीठ व बेशर्म नहीं देखा था। रहने दो
कोई तुमसे भी बड़ा बेशरम हो सकता है। हाँ, मैं बेशरम था, पर क्यों भूलते हैं कि मेरी बेशर्मी का आयाम सर्वथा भिन्न था। खैर, अपनी तारीफ बाद में करूं और पहले आगे क्या हुआ कहूं। इन दोनों के जाते ही कर्ण आया। कर्ण के व्यक्तित्व का मैं शुरू से दीवाना था। शायद यही कारण था कि उसका आना मुझे अच्छा भी लगा। उसने सवाल भी अपने स्वभाव के अनुरूप बड़ा ही सीधा पूछा। उसके प्रश्न में अहंकार की बू जरा भी नहीं आ रही थी। उस बेचारे का सीधा सवाल था कि जब द्रौपदी मेरी ओर आकर्षित हो गई थी तो आपने उसे मेरे विरुद्ध क्यों भड़काया, उसके मुंह से सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान क्यों करवाया। बात तो उसकी सर्वथा उचित थी, उसका सवाल पूरी तरह से लाजमी था। अहंकार ने भी बड़े ही शांत भाव से उसे समझाते हुए कहा, भाई कर्ण, मेरा कोई भी कृत्य तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। मेरी दृष्टि में तो तुम ही द्रौपदी के लिए सबसे योग्य वर थे। दरअसल मुझे ऐतराज तुमसे नहीं था, बल्कि दुर्योधन से तुम्हारी निकटता मेरी चिंता का विषय था। कर्ण, मनुष्य को अपने लिए तो जीना ही है, परंतु उससे कहीं ज़्यादा उसे सर्वहित की रक्षा के लिए जीना होता है, और मैंने हमेशा सर्वहित को अपने निजी स्वार्थ से ज़्यादा महत्व दिया। सच कहूँ तो मेरे उसी सर्वहित की चाह ने तुम्हारे निजी स्वार्थ की बलि ली, क्योंकि मेरा यह सोचना था कि तुम्हारा और द्रौपदी का विवाह हो गया तो इसे द्रौपदी के अहंकार और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का मिलन हो जाएगा और आगे चलकर जो आर्यवर्त में खून की नदियां बहा देगा। वहीं झूठ क्यों बोलूं, शंका तो मुझे यह भी थी कि कहीं तुम द्रौपदी को दुर्योधन के चरणों में ही ना सौंप दो। हो सकता था कि इस तरह तुम उसका एहसान चुकाना पसंद करो। अतः मेरे भाई, जाति स्वार्थ से ऊपर उठकर यदि तुम थोड़ा आर्यवर्त के परिप्रेक्ष्य में विचार कर पाओगे तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं बचेगी, और जहाँ तक सूत्र पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान करवाने की बात है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास रास्ता ही क्या था। उसके बगैर तुम्हारा और द्रौपदी का विवाह रुकवाया नहीं जा सकता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई, परंतु मेरा विश्वास करो, वह ज़्यादती समय की मांग पर मुझे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। कर्ण समझदार व्यक्ति था, वह खुले मन का था, उसके सवाल में परिपक्वता थी। उसने द्रोण या भीष्म की तरह स्वार्थ की चादर ओढ़ते हुए यह नहीं पूछा कि तुमने अर्जुन को मुझे धोखे से मारने हेतु क्यों उकसाया। बेचारे ने तो जो दिल में चुभ रहा था वही पूछा। कुल मिलाकर कर्ण पूरी तरह संतुष्ट हो गया, और उसकी संतुष्टि ने मुझे बड़ा सुकून दिया। दूसरी ओर कर्ण की संतुष्टि देखकर अहंकार भी बड़ा तृप्त हुआ। उधर कर्ण के जाते ही मेरे पुत्रों की भीड़ जमा हो गई। वे अब भी आपस में सवाल पूछने के लिए झगड़ रहे थे। ले देखे, सबका एक ही सवाल था कि नशे में धुत होकर जब हम एक दूसरे पर वार करने लगे तो आप वहीं दूर बैठे तमाशा देखते रहे, हमें बचाने क्यों नहीं आए। उनका सवाल सुनते ही मुझे अहंकार को भी हंसी आ गई, और प्रतिउत्तर में अहंकार ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्खों, मैं तुम्हें बचाने क्या आता, मैं ही तो तुम्हें मारने वहां ले गया था, और यही मेरी योजना थी। स्पष्ट कहूं तो तुम सब मेरी उस खतरनाक योजना का शिकार हुए। मुझे मालूम था तुम लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति काफी कुछ भरा हुआ है, और जो मदिरा के नशे में बाहर निकलेगा, जिसके फलस्वरूप तुम लोग आपस में झगड़ पड़ोगे। यही नहीं, सभी को हथियारबद्ध होकर आने का कहना मेरी इस योजना का अहम पहलू था। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी की योजना कभी विफल नहीं होती। यह सुनते ही सबके सब बुरी तरह चौंक गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पिता अपने पुत्रों के विनाश हेतु ऐसी कोई खतरनाक योजना भी बना सकता है। आखिर हिम्मत करके उन्होंने पूछा, आपने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। अहंकार ने हंसते हुए ही कहा, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, परंतु तुम लोग स्वयं के दुश्मन जरूर हो बैठे थे। दरअसल तुम लोगों ने अपना इतना पतन कर लिया था कि तुम्हारे जीने के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गए थे, क्योंकि जो मनुष्य अपने कर्म और कर्तव्यों को त्याग कर अय्याशियों में डूब जाता है, वह अपने या अपने परिवार के लिए ही नहीं अपितु पूरी मनुष्यता के लिए खतरा हो जाता है। जब मनुष्य की अय्याशी व नीचता एक हद से बढ़ जाती है तो कुदरत उसके विनाश के हजारों उपाय खोज ही लेता है, ताकि आने वाली मनुष्यता को इससे सबक मिल सके। यदि मैं पाप के हद तक बढ़ जाने पर महाभारत के युद्ध में हजारों को मरवा सकता हूँ, तो नीचता की हद पर पार करने पर अपने परिवार की भी जान ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पक्षपात नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, ना ही मेरा कोई परिवार है। मेरे मन तो बस कर्म मेरी माता है और कर्तव्य मेरा पिता। वहीं दूसरी ओर सत्य मेरा स्वभाव है, वह न्याय मेरी संतान है। अतः यह तो तुम्हें ही नहीं, महाभारत के युद्ध में मरे सभी को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने सबको पापों से मुक्त होने का मौका दिया। सोचो, यदि तुम जैसे लोग जीवित रहते तो ना जाने और कितने पाप कर बैठते, और फिर उसका अंजाम क्या होता।
अतः समझ लो कि पापियों का विनाश कर एक तरीके से मैं उनका उद्धार ही करता हूँ, इसे मेरी करुणा ही समझना चाहिए, जो मैंने तुम निकम्मों को जन्मों जन्मांतर के दुखों से छुटकारा दिलवा दिया। बेचारे क्या कहते, समझने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन सामने जवाब देने को भी क्या था। चुपचाप मुँह लटकाए चले गए। इन दुष्टों के जाते ही द्रौपदी आई। मैं तो उसे देखते ही चहक उठा। उसे देखते ही मेरी चिर परिचित मुस्कुराहट बिखर आई, लेकिन यह क्या, उसकी आंखों में आंसू थे। अरे, उसने तो मुस्कुराहटों के आदान प्रदान की परंपरा ही तोड़ दी। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाऊँ, वह रोते रोते बोली, सखा यह आपका क्या हाल हो गया है। और इतना कहते कहते तो उसने अपनी साड़ी फाड़ ली और पाँव पर पट्टी बांधने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सखी, अब इसकी आवश्यकता नहीं, मैं यह तीर स्वीकार चुका हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे बाद द्रौपदी ही थी जिसका स्वीकार्य भाव काफ़ी मजबूत था। वह स्वीकारने का अर्थ अच्छे से समझती थी, अतः मेरी बात सुन द्रौपदी पट्टी बांधने से तो रुक गई, लेकिन अपने आंसू नहीं रोक पाई। फिर उन्हीं अश्रुपूरित नैनों से वह बोली, सखा, आपका इतना बड़ा परिवार, आपने लाखों मनुष्यों का हित किया, फिर भी इस समय आप अकेले तड़प रहे हैं, भला यह मैं कैसे देख सकती हूँ। मैंने कहा, ध्यान से देखो सखी, मैं तो आज भी उतना ही प्रसन्न हूँ जैसा हमेशा रहा करता था, और जो मेरे साथ सदैव था वह तो आज भी मेरे साथ ही है। जहाँ तक अकेले होने का सवाल है, मनुष्य आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। यह तो मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे वास्तविक अर्थों में सत्य की उद्घोषणा करने का मौका मिला। और फिर क्यों नहीं समझती कि मेरा साथ तो कोई दे भी नहीं सकता। मेरा जीवन पानी की तरह बहती धारा के समान है, जिसे पल भर का साथ देने राह में कई पत्थर मिल जाते हैं, परंतु उसका स्थायी साथ कोई नहीं दे सकता। हाँ, जैसे पानी की धारा राह में पड़ने वाले सभी पत्थरों को साफ करते हुए, उन्हें पवित्र करते हुए बहती चली जाती है और फिर अंत में सब पत्थरों को छोड़ती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही मैं कुदरत में फिर विलीन होने निकल पड़ा हूँ। अतः तुम अपनी शंका दूर करो, याद रखो सखी, मुझ जैसे सदैव आनंद में रहने वाले व्यक्ति के लिए आंसू बहाना उचित नहीं, मुझे कम से कम तुम तो हंसते हुए विदा करो। यह सुनते ही द्रौपदी कुछ संभली। उसने तत्क्षण स्वयं को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि उससे अब भी मेरा यह हाल देखा नहीं जा रहा था। हालांकि फिर भी उसने हिम्मत दिखाकर स्वयं पर कुछ काबू तो पा ही लिया। जब वो अच्छे से संभल गई तो मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि सखी, आज जो कुछ सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हो पूछ लो, क्योंकि आज के बाद शायद तुम्हें मौका नसीब ना हो। कहीं ऐसा ना हो फिर यह सवाल हमेशा तुम्हें तीर की तरह चुभते रहें। लेकिन शायद द्रौपदी का मन अब भी अपना मन हल्का करने की बजाय मेरी हालत में उलझा हुआ था। फिर भी मेरे काफ़ी जोर देने पर उसने पूछ ही लिया। इधर मुझे भी खुशी हुई कि चलो, उसके दिल की बात जुबां तक लाने में मैं सफल तो हुआ। वैसे भी मैं कब असफल हुआ हूँ जो आज होता। चलो अपनी भड़ास मारना छोड़ो, द्रौपदी के सवाल पर आऊँ तो उसने एक सीधी बात पूछी, सखा, जब आप इतने विवाह कर सकते थे तो फिर एक मुझे अपनाने में आपको क्या अड़चन आई? मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जिस वजह से आप मुझे नहीं अपना पाए? जो भी हो, सच सच कहना, आज अपनी सखी से बिल्कुल पर्दा मत करना। यह आकर दृष्टा का कर्म समाप्त हुआ। शुद्ध बुद्ध व निर्दोष प्यार दृष्टा का विषय है, गिले शिकवे सफाई में उसे कोई रस नहीं, अतः इसका उत्तर मेरे अहंकार को देना, क्योंकि कृष्ण का दृष्टा द्रौपदी तो क्या कुदरत को भी जवाब दे ही नहीं, उधर अहंकार का क्या था, वह तो सफाई देने को तैयार ही बैठा था। उसने तुरंत कहा, इसके दो कारण हैं द्रौपदी, प्रथम तो तुम अपने आप में एक भरा हुआ समुद्र हो, कहने का तात्पर्य योग्यताओं से भरपूर हो। वहीं यह कहने की भी जरूरत नहीं कि मैं भी योग्यताओं का एक भरा हुआ समुद्र हूँ। अब आगे यह समझाने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि दो समुद्रों का मिलन संभव ही नहीं, वह एक ही अर्थ में हो सकता है जब दोनों अपना आधा पानी त्याग दें, लेकिन जब समुद्र भरपूर हो उसमें त्यागने योग्य कुछ ना हो तो सीधी बात यह है कि उसमें कुछ समा भी नहीं सकता। इसलिए हम दोनों के जीवन की मौजें छोटे मोटे पत्थरों और किनारों को तो अंगीकार कर सकती हैं, परंतु भरे पूरे समुद्र को स्वीकार नहीं कर सकती। जबकि मेरी रानियां छोटी मोटी नदियां हैं, इसलिए वे मुझ समुद्र में समा गईं, समाने से वे भी धन्य हो गई और मुझे भी कोई अड़चन नहीं आई। दूसरा, मैंने तुम्हें हृदय से स्वीकारा है, और किसी को स्वीकारने के लिए उसे विवाह करना या उसे अन्य किसी तरह संबंध होना आवश्यक नहीं। तीसरा, वह सीधा सच कहूँ तो तुम्हारी प्रतिशोध की भावना, वह तुम्हारे पहाड़ जैसे अहंकार के कारण मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा वैसे भी नहीं बना सकता था। सखी,
मैं तो सबके हृदय में बसता ही हूं, परंतु मुझे अंगीकार करने हेतु मनुष्य का अहंकार शून्य होना आवश्यक है। द्रौपदी काफी हद तक संतुष्ट हुई, पर तत्क्षण उसके मन में एक दूसरा सवाल उठा। अच्छा ही था यदि आज वह अपना हृदय पूरी तरह हल्का कर ले। इधर मैं सोच ही रहा था कि उधर उसने सवाल भी दाग दिया। वह बोली, जब कर्ण मुझे प्रिय था तो भी क्यों आपने मुझे उसके खिलाफ भड़काकर मेरा विवाह अर्जुन से करवा दिया? क्या आपको आज नहीं लगता कि मैं कर्ण से विवाह कर ज़्यादा सुखी रहती? सवाल तो उसने बड़े पते का पूछा था। उधर अहंकार ने भी जवाब पूरी गंभीरता से देते हुए कहा, सखी, कुछ लोग अपने कर्मों से स्वयं को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि फिर वे कुदरत के अमानत हो जाते हैं, और मेरा विश्वास करो, तुम्हारी योग्यताओं के कारण तुम उसमें से एक हो चुकी हो। अतः मुझे अधिकार स्वतः ही मिल गया कि मैं तुम्हारे जाति सुख की बलि चढ़ाकर तुम्हारा सर्वहित हेतु उपयोग करता रहूं, और कुदरत की करनी देखो कि तुम हमेशा सर्वहित में काम आई, या यूं कहूं कि मैं हमेशा सर्वहित में तुम्हारे अरमानों की बलि चढ़ाने में सफल हुआ। तुम्हारा अर्जुन से विवाह करवाना या पांचों भाइयों को स्वीकारने हेतु समझाना भी उसी महान कार्य की एक कड़ी थी। अतः मेरा विश्वास करो द्रौपदी कि तुम जाने अनजाने हमेशा कुदरत के महान कार्यों की निमित्त बनी हो, और कायदे से इस कारण तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए। यदि इसके बाद भी तुम्हें मेरी बात समझने में तकलीफ आए या तुम्हें अपने मित्र की मंशा पर शंका हो तो तुम्हें मुझसे नाराज रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वाकई एक मेरे कारण तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल गई। हालांकि उसी के चलते तुम आर्यव्रत के नक्शे पर एक ऐतिहासिक औरत बनकर भी उभरी। बात मेरी साफ है और मुझे अपनी सखी पर पूर्ण विश्वास है कि वह सब समझ जाएगी। द्रौपदी काफ़ी संतुष्ट नजर आ रही थी। उसने तत्क्षण कहा भी, वैसे तो सखा, मैंने जीवन में हमेशा आपकी बात मानी। यदि मेरा आप पर अविश्वास होता तो मैं आपकी हर बात मानती ही क्यों? दरअसल मैंने एक सीधा गणित लगाया कि आप जो कुछ कहते या करते हैं उसमें आपका कोई स्वार्थ तो होता नहीं, और जब मनुष्य का कोई स्वार्थ ही नहीं तो उसकी बात गलत कैसे हो सकती है? पर मन है तो शंका व सवाल तो उठते ही हैं। मानती हूँ कि आपने जब जो किया अच्छा ही किया, पर मन में अब भी एक अंतिम सवाल पूछने की चाह है। बुरा मत मानना, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सचमुच महाभारत से पूर्व आप जो मुझे कर्ण के पास भेजना चाहते थे वह भी सर्वहित का एक हिस्सा था? मुझे द्रौपदी के मुख से निकला यह सवाल बहुत अच्छा लगा। इस सवाल में शिकायत नहीं, जिज्ञासा थी। सचमुच द्रौपदी जैसी समझदार व योग्य आज के युग में कोई नहीं। अरे तभी तो वह हमेशा सर्वहित में काम आई। और चूंकि यह सवाल नहीं जिज्ञासा थी, अतः अब की जवाब देने दृष्टा आगे आया। अहंकार लोगों की शिकायतें गलतफहमी तो दूर कर सकता है, परंतु जिज्ञासा शांत कर पाना उसके बस में कहाँ। सो दृष्टा ने बड़े ही शांत भाव से कहा, द्रौपदी सचमुच तुमने यह सर्वहित करने का सबसे हसीन मौका गंवा दिया। यदि तुम उस समय राजी हो जाती तो हो सकता था महाभारत का इतना बड़ा विनाश ही टल जाता। द्रौपदी ने फिर जिज्ञासा जाहिर करते हुए पूछा, यह तो ठीक सखा, पर फिर मेरी अस्मिता का क्या होता? मैंने कहा, सखी, मनुष्य की अस्मिता सिर्फ सर्वहित में समाई हुई है। मैं तो कहता हूँ कि एक सर्वहित पर ऐसी हजार अस्मिताएं कुर्बान। मनुष्य की असली अस्मिता ही निस्वार्थ हीनता में है। अपना जो होना हो जाए, पर जगत का उद्धार होना चाहिए। अपने को तो आज नहीं कल लौट जाना है, चलते रहना तो इस जगत को ही है। और फिर आखिर अस्मिता है क्या? यह भी तो मनुष्य की बनाई परंपरा का एक हिस्सा ही तो है। सही मायने में तो यह सब उसके अपने अहंकार का द्योतक मात्र है। मेरा विश्वास जानो द्रौपदी कि कुदरत की अस्मिता तो सदैव से सर्वहित में ही समाई हुई है। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारी अस्मिता है और दूसरी तरफ लाखों रोते बिलखते परिवार हैं। दोनों में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जीवन में जब ऐसा कठिन चुनाव आए तो बड़े हित को स्वीकार लो और बाकी सब भूल जाओ। यही सर्वहित का मार्ग है। द्रौपदी संतुष्ट तो हुई, सारी बातें समझ भी आ गई, लेकिन आज उसकी जिज्ञासा थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने फिर एक सवाल दागा, मैं इतनी सुंदर और प्रतिभावान थी, पांचाल की राजकुमारी थी, निश्चित ही मैंने एक ऊंचे जीवन की कल्पना कर रखी थी, मैं उन सपनों के योग्य भी थी, फिर मेरा जीवन कष्ट में क्यों गुजरा? फिर मैंने इतने अपमान क्यों सहे? क्या मैं अर्जुन से विवाह का इनकार कर देती तो इस कष्टपूर्ण जीवन से न बच जाती? इस लिहाज से मेरे इस बर्बाद जीवन के पीछे कहीं ना कहीं क्या आप नहीं? बुरा मत मानना, ये तो सवाल से सवाल निकल रहे हैं, तो समझने की जिज्ञासा हो रही है। आपकी ऐसा कि आप पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और मुझ पर अविश्वास करो, यह तो मैं सोच ही नहीं सकता।
मैं भी तुम्हारे तमाम सवालों को शुद्ध बुद्ध जिज्ञासा के तौर पर ही ले रहा हूँ। सबसे पहली बात तो तुमने जीवन में कष्ट उठाए हैं, ऐसा मानना ही तुम्हारी भूल है। जीवन बाहर की परिस्थितियों का नाम नहीं बल्कि वास्तविक जीवन भीतर की मनोदशा का नाम है। अतः अपने जीवन के लिए दूसरे को दोषी मानने से बड़ा अज्ञान नहीं। मैंने जीवन के 18 वर्ष एक साधारण ग्वाले के रूप में गुजारे। अगले 12 वर्ष में जरासंध के भय से यहाँ वहाँ भागता रहा और जीवन के अंतिम मोड़ पर अपने ही परिवार के विनाश का तमाशा देखना पड़ा। तो क्या मैं कहूँ कि मैंने जीवन कष्ट से बिताए, या क्या मैं इस जीवन हेतु कुदरत को दोष देता फिरूँ? नहीं, बाहर की परिस्थितियाँ कुदरत की अपार लीला का एक अंग है जो मनुष्यों के संयुक्त कर्मों के हिसाब से चलती ही रहती है। जब तक हम संसार में हैं, हमें उसके संयुक्त कर्मों का एक हिस्सा बनकर ही जीना होता है। अतः जीवन में हमारे पास चुनाव कम है। हम अपनी आंतरिक मनोदशा को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जहां हम हमेशा और हर हाल में खुश रहने की कला विकसित कर सकें। और मुझसे पूछा जाए तो यही हमारा कर्तव्य भी है और यही हमारे जीवन का मकसद भी। अतः तुम अकारण पांडवों व कौरवों को अपना शत्रु मत समझो, ना ही ये सोचो कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे दुश्मन थी। हाँ, तुम्हारी सुंदरता के कारण तुम में आए तुम्हारे पहाड़ जैसे अहंकार की वजह से तुम्हें जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उसे भी कुदरत का न्याय समझकर स्वीकारो तथा आज और अभी से हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाओ। मैंने उसे सारी बातें इतने विस्तार से समझाई थी कि सोचा अब उसकी तमाम जिज्ञासाएं शांत हो चुकी होंगी, लेकिन नहीं, उसकी जिज्ञासा से फिर एक सवाल निकला। उसने तत्क्षण पूछा, एक बात बताओ सखा, आप जब भी मेरे साथ रहे जीवन में कोई संकट नहीं आए, पर जैसे ही आप दूर हो जाते थे संकट की बौछारें शुरू हो जाती थी। क्या मेरे जीवन का आपकी उपस्थिति से वास्तव में कोई संबंध है या यह मेरा भ्रम मात्र है? मैंने हंसते हुए कहा, मेरी उपस्थिति से मात्र तुम्हारे ही नहीं सबके जीवन का सीधा ताल्लुक है, लेकिन मैं एक साथ सबके जीवन में तो हाजिर नहीं हो सकता। यह सत्य है कि जब मैं द्वारका में था तो हस्तिनापुर में गड़बड़ हुई, जब मैं हस्तिनापुर में था तब द्वारका में गड़बड़ हुई, लेकिन ये जानते समझते हुए भी मैं किसी के जीवन में हमेशा के लिए तो उपस्थित नहीं रह सकता था। दरअसल मैं हरेक के जीवन में उसकी निरहंकारिता के हिसाब से आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं को प्रकृति की ऊंचाई तक उठाया है। अतः मेरी उपस्थिति के बाद मेरी मर्जी के बगैर किसी मनुष्य के जीवन में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि मनुष्य को सदैव सफल होने के लिए मेरे साक्षात स्वरूप की आवश्यकता है। मैं समान रूप से सबके हृदय में उसकी आत्मा बनकर हमेशा उपस्थित ही हूँ। यदि मनुष्य उसकी शरण चला जाए तो फिर मैं उससे कभी नहीं बिछड़ता। कहने का तात्पर्य, यदि मनुष्य अपने सारे कर्म मुझ आत्मा को समर्पित कर दे तो उसके जीवन से कष्टों की हमेशा के लिए विदाई हो सकती है। लगता है आज मेरा हर जवाब द्रौपदी में एक नई जिज्ञासा का बीज बो रहा था, या हो सकता था उसे अंतिम मौका मान पूरी तरह भुनाने में लगी हुई थी। चाहे जो हो, द्रौपदी ने फिर एक सवाल पूछा, माना मैंने अपने अहंकार रूपी व्यवहार की सजा पाई तो फिर दुर्योधन का क्या, जिसने धोखे से जुए में जीत कर हमें 13 वर्ष बनवास भेजा? वह तो इन पूरे 13 वर्ष आराम से युवराज बना रहा। यही नहीं, महाराजा धृतराष्ट्र ने हमेशा उसके पापों को ढांका, परंतु बावजूद इसके वे आज भी हस्तिनापुर के महाराज बने हुए हैं, तो फिर इन्हें इनके दुष्कर्मों की सजा कहाँ मिली? मैंने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे देखने व समझने दोनों में भूल है। कर्म तो अपने हिसाब से अपना मुकाम ढूंढ ही लेती है। यहाँ यह समझने लायक है कि छोटे मोटे अहंकार की सजा तो हाथों हाथ मिल जाती है, लेकिन बड़े अहंकारों की सजा मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि बड़ी सजा का तख्ता जमाने में भी कुछ वक्त तो चाहिए ही। इसे ऐसा समझो कि तुम लोग वनवास पाकर छूट गए और आज तुम लोग हस्तिनापुर में शासन कर रहे हो, जबकि आज दुर्योधन समेत उसके 100 के 100 भाई महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर यह भी सोचो कि क्या 100 पुत्र खोने के बाद भी महाराज का जीवित रहना उनकी सबसे बड़ी सजा नहीं? तभी तो कहते हैं कि कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब कहीं जाकर द्रौपदी की जिज्ञासा पूरी तरह शांत हुई थी, वह भी तृप्त हो गई और उससे हुई इस हसीन मुलाकात ने मुझे भी तरोताज़ा कर दिया। तभी अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊँ सामने उद्धव प्रकट हो गया। स्वाभाविक तौर पर वह काफ़ी दुखी था, उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। परीक्षा की असली घड़ी अब आई थी।
उद्धव को समझा पाना मेरे अहंकार के लिए ही नहीं, मेरे दृष्टा के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, और मुझे तो चुनौतियां स्वीकारने का वैसे ही शौक था। उधर उद्धव भी उद्धव था, दुखी अवश्य था, पर उसने सवाल पूरी मक्कमता से ही पूछा, क्यों कन्हैया क्यों? आखिर क्यों जीवन भर मुझे साथ में रखकर इस अंतिम समय मुझे दूर भगाया? जीवन भर मैंने तुम्हारे हजारों कर्मों को दृष्टा बनकर निहारा, फिर यह कर्म करते वक्त तुम्हें मुझे भगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या मेरी इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैंने कहा, उद्धव तुम मेरी धड़कन हो, कोई अपनी धड़कन से अकारण जुदा नहीं होता। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और तुम मेरी मजबूरी समझने का प्रयास करो। मेरे पुत्रों वो मेरे परिवार समेत इन द्वारका वासियों का विनाश सुनिश्चित हो चुका था, और क्या कहूँ, यह शुभ कार्य भी मेरे ही हाथों होना था, लेकिन तुम अपने भतीजों का या मेरे परिवार का विनाश सहन नहीं कर पाते। ऐसे में तुम न सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश करते बल्कि मुझे कमज़ोर भावनाओं में उलझाने का प्रयास भी करते, परंतु मैं अपने स्वभाव अनुसार अपने जीवन का यह अंतिम कर्म भी पूर्णता से निभाना चाहता था। याद रखो मेरे भाई, मैं पुराना रणछोड़ हूँ और इस बार भी मैंने तुम्हें नहीं भगाया बल्कि मैं तुमसे भागा हूँ। इसके बाद उद्धव ने कुछ नहीं कहा, वह इतना ज्ञानी तो था ही कि उसे मेरी वर्तमान हालत पर चिंता जताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह समझ ही रहा था कि तीर मैं स्वीकार चुका हूँ, बात समाप्त हुई। उसने मुझे भरी आँखों से नमस्कार किया और चला गया। मुझे जो श्रेष्ठ सुकून मिल सकता था वह उद्धव के आने से मिल चुका था, लेकिन इधर अब धीरे धीरे पाँव में चुभन बढ़ती जा रही थी। दर्द मेरे लिए भी असहनीय होता जा रहा था, चुभन बढ़ती कैसे नहीं। आज पांचवा दिन था और दिन ब दिन चुभन तो बढ़नी ही थी। ऊपर से अहंकार की उपस्थिति ने निश्चित ही मेरे दर्द में कई गुना इजाफा कर दिया था। खैर यह मेरी बात हुई, पर उधर अहंकार बड़ा खुश नजर आ रहा था। उसने मुझ दृष्टा से कहा भी कि देखा मेरा खेल, सबके सवालों और शंकाओं का कैसा शानदार निराकरण किया। आपने अपने जीवन में मुझे कोई विशेष मौका ही नहीं दिया, लेकिन आम मनुष्यों के हृदय पर तो मैं ही राज करता हूँ। अहंकार की बात सुन दर्द के बावजूद मुझे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माना लोगों के दिलों में तुम ही राज करते हो, पर मारा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं। जब मौका मिला मैंने भी तुम्हें फैलने के कई मौके दिए। अहंकार तो जैसे मेरे कुछ कहने का इंतजार ही कर रहा था, वह तुरंत बोल पड़ा, तो मैंने कब कहा कि आपने मुझे मौके बिल्कुल नहीं दिए? आपने जो भी मौके दिए उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जैसा परम दृष्टा चाहता तो मुझे अपने भीतर प्रवेश ही ना देता, फिर भी मेरे मन में एक सवाल तो उठ ही रहा है, इजाज़त हो तो पूछूं। अच्छा, तो मेरा ही अहंकार मुझसे सवाल पूछना चाहता है? पूछ लो, ये खेल भी देख लिया जाए। मैंने भी कह दिया बेदलक होके पूछो। इस पर अहंकार तुरंत बोला, आप जीवन भर मेरे शत्रु रहे, आपने जीवन पर्यंत अपने भीतर तो मुझे नहीं ही पनपने दिया, उल्टा दूसरों के हृदय से भी मुझे कमज़ोर करने का पूरा प्रयास किया। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि फिर भी इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? आखिर थक कर आपको ही दो महाविनाश करने पड़े, और तो और जीवन भर ना तो कोई आपको समझ पाया और ना ही आपके दिव्य कर्मों को। साथ ही इतने प्रयत्नों के बावजूद आप लोगों के हृदय से मुझे कमज़ोर भी नहीं कर पाए। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये सारी कोशिशें व्यर्थ गई? मैंने कहा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मेरे भाई, मैं तुम्हारी महासत्ता से कभी इनकार नहीं करता, लेकिन यह क्यों भूलते हो कि तुम्हारी सत्ता केवल इस संसार के मनुष्यों तक सीमित है, प्रकृति में तो तुम्हारा नामो निशान तक नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी जीत से इनकार कर रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सदियों से दृष्टा से जीतते आए हो और जीतते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास हजारों हथियार हैं। तुम झूठे मक्कार और धोखेबाज हो, कोई तुमसे बचना भी चाहे तो तुम उसे फिर उलझाने की क्षमता रखते हो। मोह, लोभ, सत्ता, धन समेत और भी लाखों हथियार का तुम इस्तेमाल करते हो। मान अपमान, पाप पुण्य जैसे हजारों चक्कर में तुमने मनुष्य को उलझा रखा है। यही नहीं, दया, प्रेम, सिद्धांत, संकल्प, ममता जैसे अनेक अच्छे दिखने वाले हथियारों से भी तुम लैस हो। तुमने तो अपना रंग देने में धर्म तक को नहीं छोड़ा। यही क्यों, स्त्री पुरुष के पवित्र प्रेम को वासना का रंग देकर भी तुमने मनुष्य को उलझाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। बेचारा मनुष्य तो अभी समझ बैठा है कि पूजा पाठ या हवन कर लिए, गंगा यमुना में नहा लिया, बस बात समाप्त। यह नादान मनुष्य नहीं जानता कि इससे तुम उल्टा
उसको धार्मिक होने के लिए एक नए अहंकार से भर देते हो। इसलिए मैंने तुम्हारी महासत्ता से कभी इनकार नहीं किया और ना ही कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरे महाभारत जैसे महाविनाश के निमित्त बनने का सवाल है, या अपनी ही आंखों के सामने परिवार व द्वारका वासियों का सत्यानाश होते देखने का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दो महाकर्मों द्वारा मैंने तुम्हारा ही नाश किया है। मेरी बात सुन अहंकार एक क्षण को तो विचार में पड़ गया, लेकिन आसानी से हार मान जाए तो अहंकार कैसा? उसे तुरंत दूसरा सवाल दागते हुए कहा, चलो आपकी ये बात जाने भी दूँ तो भी यह बताओ कि आप लोगों के जीवन को सुख और आनंद से भर देना चाहते थे, जबकि मैं लोगों के जीवन में जहर घोलकर उन्हें नर्क से ज़्यादा कष्ट देने में विश्वास करता हूँ, फिर भी आपके भीतर जीते जी लोगों पर राज तो मैंने ही किया। सबने जीवन पर्यंत आपकी बजाय मुझे ही अपनाया। क्या यह आपकी हार का सबूत नहीं कि आप मनुष्य मात्र का भला चाहते हैं? तो भी लाखों में से कोई एक आपकी बात पर ध्यान देता और इस वजह से मैं आसानी से लाखों करोड़ों मनुष्यों का जीवन बर्बाद करने में सफल हो जाता हूँ। भले ही आप जीवन के हर संघर्ष में जीते, पर मेरे सामने तो आपको हार का मुंह ही देखना पड़ा। क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं? अहंकार की बात सुन मुझे भी हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए ही कहा, सुनो अहंकार, हम दृष्टा जीवन का यह खेल जीत हार के लिए नहीं खेलते, बल्कि अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए खेलते हैं। बाकियों की बाकी जाने, मैं इस समय पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। क्या है तुम्हारी हार नहीं? मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में घुस के हराया, इसे तुम अपनी हार नहीं तो और क्या कहोगे? हमारा प्रभाव क्षेत्र प्रकृति है, तुम वहाँ घुस के दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। और तुम अपनी जिस जीत पर इतरा रहे हो, याद रखना तुम्हारा यह जीत का नशा ज़्यादा युगों तक टिकने वाला नहीं। यह तो दुर्भाग्य से यह युग ही तुम्हारा है। यहाँ सत्ता के लिए बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अपनी पत्नियों को जुए में दांवों पर लगाया जा रहा है। व्यर्थ के संकल्प लेकर मनुष्यों पर अत्याचार किया जा रहा है तथा भरी सभा में अपनी भाभी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। यही क्यों, इस युग में तो सत्ता के मद में 16,000 स्त्रियों को कैद भी किया जा रहा है। प्रतिशोध व हिंसा को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि आज सर्वाधिक अधर्म ही धर्म के नाम पर हो रहे हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होम और हवन किए जा रहे हैं। बताओ भला, ऐसे में मैं अकेला कैसे तुमको हरा सकता था? मेरी बात तो सीधी और साफ थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस युग के निकम्मे मनुष्यों के लिए समझ के बाहर हो गई, और तुमने मौके का फायदा उठाते हुए सारी धार्मिक क्रियाएं इच्छा से जोड़ दी, जिसके फलस्वरूप तुम आसानी से सफल हो गए। कह सकता हूँ कि तुमने गिरते को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि मनुष्य को भुलावे में डालने हेतु वो उनकी तुच्छ महत्वाकांक्षाओं को, कामनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तुम ज्योतिष तक खोज लाए। इससे महत्वाकांक्षा व कामनाओं के कारण उत्पन्न भय को रास्ता मिला और तुम और भी मजबूत हो गए। लेकिन अब एक बात तू मेरे परम अहंकार भी सुन ले, मैंने तुम्हारी ऐसी व्यवस्था की है कि तुम आने वाले हर युग में निरंतर कमजोर होते चले जाओगे। तुम्हें याद ही होगा कि मैंने अकेले हाथों इंद्र पूजा रुकवा कर तुम्हारे झूठ को कितनी गहरी चोट पहुँचाई थी। वहीं तू यह भी नहीं जानता कि तुमने यह जो धर्म का पाखंड फैला रखा है, मैंने भगवद गीता में एक ही सूत्र कहकर तेरे पूरे पाखंड को कितना चकनाचूर कर दिया है। याद कर, मैंने भगवद गीता में कहा ना कि मनुष्य जीवन में एक ही पुण्य है, और वह है ऐसा कर्म जिसमें फल की आशा बिल्कुल ना हो। मेरा दावा है कि यह एक सूत्र तेरे धर्म के नाम पर फैलाए सारे पाखंड पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगवा देगा, क्योंकि तेरे फैलाए पाखंड का मुख्य आधार इच्छा है। और तो और, तुम्हारे जनित शास्त्रों और मंत्रों के पाठन के पीछे भी सिवाय कामनाओं के और क्या है? अतः मेरी यही भगवत गीता एक दिन तेरे रचित सकल शास्त्रों का नामो निशान मिटा देगी। याद रख, जैसे जैसे मेरा दिया यह सूत्र फैलता जाएगा, तेरा फैलाया पाखंड कमजोर होता जाएगा, तथा जैसे ही मनुष्य जीवन में से धर्म का पाखंड हटेगा तो अपने आप कमजोर हो जाएगा, और जैसे ही मनुष्य में से अहंकार कमजोर हो जाएगा, वह आनंद और वैभव के नए शिखर पर छू जाएगा और तू दूर खड़ा तमाशा देखता रह जाएगा, जैसा आज मैं तेरे फैलाए पाखंड का तमाशा देखता रहता हूँ। अहंकार हंसते हुए बोला, मैं आपके इस सूत्र के जादू को मानता हूँ। निश्चित ही यह एक ही सूत्र मेरे फैलाए धर्म के पाखंड को ही नहीं, मुझे भी नेस्ता नाबूद कर सकता है। लेकिन महाराज, इसे पढ़ेगा कौन, समझेगा कैसे और अमल लाएगा कब? मैं तो हर युग में समय के हिसाब से नए पाखंड खड़े कर लोगों को अपने कर्मों से डिगाता रहूँगा,
जब मौका मिला उन्हें नित नई आशाओं में झुलाता रहूंगा।